अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, जुम्मा मुबारक आप सबको। आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी मेरी जो बन चुकी है ऑलरेडी, उसको मैं थोड़ा जिसको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बन चुकी है स्ट्रॉबेरी, ये मेरी आज लास्ट अभी टीचर ने 3 बोला था बट मैं 4 बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, और मेरी हेल्प करेंगे स्कूल से आए हैं। देखो मुझे ऑलरेडी बनी है उसको बता रही हूँ, निकाल रहे हैं। एक मेरा रखने में थोड़ा पॉइंट टेक की टेढ़ा हो गया है, क्योंकि मैंने उसको हवा खाने के लिए रखा था बट वो टेढ़ा हो गया है। कोई इशू नहीं, सही हो जाएगा। और फिर फोर्थ बनाने जा रही हूँ मैं अभी। 3 ऑलरेडी मेरे सूख चुके हैं, मेरे को एक निकल गया था उसमें से। ये हवा लगना ज़रूरी है, मैंने देखो कैसे अफान हिला रहे हैं, फिर भी मजबूती से चिपका है वो टर्न। देखो देख रहे हो आप लोग मेरी स्ट्रॉबेरी, ज़्यादा टफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसको हार्ड लग रहा था उस वीडियो को देख के, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अच्छे से फोल्डिंग वगैरह इसको भी चिपका दूँगी अभी, क्योंकि वो चिपका दूँगी तो फिर हवा खा लेगा। हवा खाना ही ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है इसका। ये देखो पेपर मैंने लिया 50x50, अपना क्राफ्ट पेपर भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। 50x50 का पेपर है ये, मैंने फर्स्ट टर्न खोल दो, फिर सेकेंड टर्न, फिर अच्छे से को कर दो, फिर खोलो इसको, फिर ये अपने को क्रॉस फोल्ड, इसको भी अच्छी लाइन ड्रॉ कर लो, फिर इसके बाद अपने को फिर खोलना है उसको एंड फिर टर्न लेना है उसमें आपको। ये चिपक नहीं रहा था, अफान मुझे सता रहे थे बीचों में, इसलिए मैं अफान को एक काम कर दी कि आप पकड़ के बैठे रहो इसको। अफान को एक काम में जुटा दिया मैंने। फिर वहाँ पे अभी अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, ये जो जॉइंट अच्छे से चिपक, जब तक ये चिपकता नहीं है तब तक इसका काम अच्छा होगा नहीं। ऐसे ये ग्लू है ना, आप लीफ पे भी लगाना और उस पर भी लगाना, ये दोनों पे लगाने पे अच्छा होगा। यहाँ पे देखो दोनों फिंगर के साथ थोड़ी देर अगर इसको 5 मिनट भी पकड़ के रखें ना, अपन हवा खा लेगा, अच्छा पैक हो जाता है। नीचे भी थोड़ा एक फिंगर एंड ऊपर दोनों फिंगर के बीच में डंडी, ये नीचे एक टच, एक टच करेंगे ना अच्छे से जान हो जा रहा है। मम्मी ने मेरी 2 में हेल्प किया था उसी में, फिर मैंने इसको खोला। अब ये सेकंड राउंड, अब चारों तरफ अपना लाइनिंग आ गई है पेपर में। अपने को करना है फोल्ड बीच वाले में से, इसमें से अपने को ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, जिसको जो बीच में से टर्न नहीं हो रहा है। मैं भी बहुत कन्फ्यूज थी कि यही टर्न ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब ये ऐसे नहीं हो रहा है ना, देखो जिसको ये नहीं हो रहा है ना, ये जो फोल्डिंग की लाइन है ना बीच में से, ये लाइन को अपन फोल्ड कर लो। देखो ऐसे ये पॉइंट को पकड़ो, कोई इशू नहीं उसमें। एक ये पॉइंट जो बीच में लाइन आ रही है उसको अपने को फोल्ड करना है देखो ऐसे, और बॉक्स टाइप में ही बनाना है। तो ये भी पॉइंट जो लिया उसको अंदर डाल के पॉइंट कर दो, ये चारों तरफ अपने को 4 ड्रॉप्स होना चाहिए। सताए बगैर कहाँ रहा जाएगा फोन। फिर ये फोल्डिंग ओवन 4 पॉइंट फोल्ड हो गया, 4 जब फोल्ड हो गए अपने, सब जगह ऑलरेडी लाइंस बनी जाती है उसमें। जब ये 4 लाइंस हो जाए अपन टॉप पे से क्या करेंगे, इसको ये टॉप पे अपने को फर्स्ट फोल्ड करना है हाफ पॉइंट पे। जो जॉब लोग को यहाँ से नीचे कर दिया ना, कैमरा नीचे हो गया, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। अब यहाँ देखो ये ऊपर से मैंने फोल्ड कर लिया, अपने पास ऑलरेडी ये पेपर पे सब लाइनें रहती है, ये अपने को बीच टॉप पे बराबर दोनों को फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया, अपन बैक को भी फोल्ड कर लेंगे, कहीं नहीं करेंगे, एक एक को अपन बराबर एक एक सिस्टम के हिसाब से जाए ना तो बराबर समझ में आ जाएगा। वो लोग पहले एक ही तरफ से सब दिखा दे रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कितने बार उसको फोल्ड करना है। इसमें ज़्यादा उतना कुछ हार्ड टफ नहीं है, ये दोनों तरफ अभी सेम हो गया है, दोनों सेम से। अब अपन जो ऊपर से पॉइंट टर्न है अपने को नीचे से भी उसको सेम वैसे टर्न करना है, नीचे भी सेम पॉइंट बनेगा एंड ऊपर भी सेम पॉइंट बनेगा, नीचे सेम पॉइंट एंड ऊपर सेम पॉइंट। ये देखो सेम, नीचे भी पॉइंट ऊपर भी पॉइंट, यह कन्फ्यूजन एक दूर क्लियर हो गया अपना, क्योंकि पॉइंट दोनों जगह रहेगी ना उसको अपने को ओपन करना है। फिर जब पॉइंट दोनों अपने बराबर हो गए, अच्छे से पुश कीजिए, कोई बारीक सी कोई चीज़ लीजिए, मैं कांडी का यूज़ कर रही हूँ, उसके बीच में होल डाल के अपने को
को फैला लेना है। यही पॉइंट को खोल के सिंगल साइड में इसको अपने को फैला लेना है। जब यहाँ से ये फैल जाएगा, अब बैक साइड लेंगे अपन, ऑन वन स्टेप सेम स्टेप यहाँ भी करना है। इसके अंदर काड़ी डालूंगे और अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे, प्रॉपर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एकदम। और जब ये फोल्डिंग खुल जाएगी तो दोनों साइड अपने सेम लगने चाहिए। सेम देखो, दोनों साइड अपने सेम हो गए। अब ये टू साइड सेम हो गया, टू साइड सिंपल रहेगा। तो मेरे को क्या करना है, इसको सिंपल साइड को निकालना है। फिर ये दोनों साइड जो सिंपल है अपने को अब ऊपर करना है। ये जब सिंपल साइड दोनों ऊपर हो जाएंगे ना, अपने को बॉर्डर बनाना है लाइन की। तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर से जो साइड खुला है, जो साइड अपन नहीं मोड़े उसको अंदर साइड खोल लेंगे, फिर से पुराना स्टाइल में जो अपन फर्स्ट स्टेप किया था सेम वही स्टेप अपने को दोहराना है। बट इसमें अपने को खोलना नहीं है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी अपन उसमें खोल चुके हैं। इसमें सेम पॉइंट है, ये ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, अपन पहले ही ट्रैप में आ गए हैं। अब इसमें अपने को फोर लाइन, जैसे फोर बॉर्डर्स आते हैं, ये सब अपने को सेम एज इट इज हो गए हैं। अब अपन क्या करते चलेंगे, इस सबको फोल्डिंग करते चलेंगे। ये देखो, फर्स्ट फोल्डिंग हो गई, ये सेकंड फोल्डिंग हो गई, ये थर्ड फोल्डिंग हो गई, फोर्थ फोल्डिंग हो गई, चारों फोल्ड हो गए अपने। फोल्ड होते हैं स्ट्रॉबेरी अपनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, कम्प्लीट नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। अब ये जो फोल्ड बाहर निकालने हैं अपन, इसको अपने को डालना है अंदर। अंदर में उस टाइम जा नहीं पाता, जैसे भी दिखाया है मेरे को अंदर डालने का। ये अगर ये कर लेते हैं बाहर करके अंदर करते हैं ना, प्रॉपर अंदर जा रहा है पेपर, बाहर आने का नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है ना, तो टाइट बैठ रहा है। ये अपनी बन गई है स्ट्रॉबेरी। अब इस पर लीफ लगाने से पहले अपने को मार्कर पेन से और डॉट डाल लेंगे। देखो ऑलरेडी रेडी है मेरी, जो सेम ऐसी बनेगी ये भी। ये मार्कर, अब ये अफान को आ रही है यहाँ पे नींद, ये मार्कर पेन में लेती हूँ और इसमें डॉट्स डालती हूँ साथ, सब पूरे पूरे डॉट्स डाल के इसको अपन पहले रेडी कर लेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको उसके लीफ एम्बॉम का बताती हूँ। ये डॉट पूरा हो पहले से ही कर ले हो ना, तो लीफ में भी छुपने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले से करते जाएंगे आसान हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी अच्छा भी लगता है। मैं सोची बड़े वाले मार्कर से मार दूँ, मगर मैंने बोला वो उसका डॉट बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं और स्ट्रॉबेरी पे उतना होता नहीं है, इसलिए मैंने फिर छोटा वाला मार्कर यूज़ किया। छोटे वाले मार्कर से किया, अच्छा लग रहा था एकदम। जब सबसे अच्छा काम इसमें सिर्फ हवा खाना है उसको, अगर वो अच्छे से हवा खा गया ना तो नहीं निकल रहा है एक भी। मार्क डाल के हो गया, अब मैं इसका बनाऊंगी लीफ। अब लीफ के लिए अपने को काटना है 7:7 का पेपर, 7 लंबाई 7 लेंथ विथ दोनों अपने को 7:7 चाहिए। ये मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ काटने के लिए, पेंसिल से पॉइंट दिख ही नहीं रहा था मुझे पेपर पे, पेंसिल पे पॉइंट ज़्यादा था ही नहीं, फिर मैंने कलर पेंसिल यूज़ किया। अभी यहाँ पे फिर मैं उसको कट कर लूँगी 7:7 मार्क करके प्रॉपर। 7:7 लिया, अब मैं कट करने जा रही हूँ। फिर अब इसका ये बन जाएगा लीफ और जो बचा पेपर है उसका बन जाएगी डंडी। ये मुझे मिल गया। अब इसको, ये भी बिल्कुल ईजी है, इसको भी अपने को सिर्फ फोल्डिंग करना है, क्रॉस फोल्डिंग बस। ये समोसा टाइप बस क्रॉस फोल्डिंग, वन फोल्डिंग, ये सेकेंड फोल्डिंग। सेकेंड फोल्डिंग के बाद अच्छे से टाइप कीजिए। सेकेंड फोल्डिंग के बाद अपने को फिर से थर्ड फोल्डिंग, सेम पैटर्न में फोल्ड करके अपने को इसको थोड़ा सा पॉइंट काट लेना है, जस्ट थोड़ा सा। और फोल्डिंग काटने के बाद आपको ये पॉइंट इधर टर्न करना है। ये जो क्रॉसिंग आई है, ये क्रॉस देखो, ये क्रॉस आया ना, उसके शेप में अपने को काटने हैं कि पूरा वो अच्छे से शेप में हो जाए। अब यहाँ पे लीफ अपना बन के शेपिंग के लिए हो गया है रेडी। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ मेरा लीफ रेडी है। मैंने सीजर से उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है ऊपर टर्न रहने के लिए। अब उसके अंदर में होल करना बाकी, अभी होल होगा इसमें।
फिर अपन इसको फिर जैसा था एज इट इज़ उसको अपन फिर से फोल्ड करेंगे। मैं देख रही हूँ कि पेपर ग्रीन डार्क ग्रीन कौन सा साइड लग रहा है, और जो साइड लग रहा है फिर मैंने उस टाइप टर्न मारा और इसको मैं काट दूँगी। अभी ये काटा मैंने, अभी फिर इसमें से होल में से अपने को बनाना है होल में डालने के लिए बम्बो, उसका स्टिक बनाऊंगी। अभी ये 5:5 पेपर लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, कांडी की हेल्प से फिर मैंने इसको राउंड अप कर लिया। एकदम बारीक भी लेंगे, ज़्यादा भी नहीं लेंगे, बड़ा तो भी चल जाएगा, ये भी आसानी से बन जाता है। फोल्डिंग कर रही हूँ मैं, फोल्डिंग हो जाए तो फोल्डिंग पूरा एंडिंग पे आप ग्लू मत लगाओ उसको, थोड़ा पहले ही ग्लू लगा लो, क्योंकि ग्लू लगता है तो थोड़ा ग्लू बाहर आ ही जाता है, तो थोड़ा अंदर में लगाओ तो वो फोल्डिंग बराबर चिपके रहेगी और वो अच्छे से बाहर निकले तक ग्लू चिपक जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा अंदर में लगाया इसको, और अंदर लगाने के बाद फोल्ड कर दिया तो बाहर तक जहाँ तक ग्लू निकला वो चिपक जाएगा। देखो फिर भी थोड़ा सा निकल ही गया। अब मैंने थोड़ा मोटा इसलिए रखा हुआ है ना, बड़ा इसलिए बन ली हूँ मैं कि मैं थोड़ा अंदर तक काटूँगी, थोड़ा छोटा छोटा मत काटो आप लोग भी, थोड़ा अंदर तक लो क्योंकि वो ना चिपक जा रहा है तो अच्छा सेट हो जाएगा, नीचे भी वजन हो जाएगा तो वो डांडी गिर नहीं रही है, क्रॉस नहीं हो रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा अंदर से काट रही हूँ। बड़ा बड़ा कटा रहेगा ना तो अच्छा रहता है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा काट दी। अब जब बड़ा बड़ा काट दी मैं इसको, मैं अभी ग्लू लगा लूँगी, अभी पेपर के फोल्डिंग के हिसाब से वो जो होल बना है मेरा थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको मैं अभी फेविक ग्लू लगा दूँ। ये देखो मैंने लगा दिया फेविक ग्लू से, मैंने अंदर डाल दिया। अब आप लोग खाली स्ट्रॉबेरी को मत ग्लू लगाना, इसको भी लगा दो ताकि दोनों अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे ये जब ग्लू लग रहा है फिर उसके बाद मैं अच्छे से चिपकाऊंगी, और मोस्ट बड़ा कमाल यही है कि अपने को इसको पकड़ के बैठना है एटलीस्ट 5 मिनट तक है डंडी के साथ। ये स्टाइल में, ये देखो स्टाइल ऊपर और नीचे कैसा लग रहा है, देखो स्ट्रॉबेरी रेडी हो गई मेरी। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने को पकड़ना है, उसको दिख रहा है या नहीं स्ट्रॉबेरी बताओ आप लोग। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी एज डिस बन गई, सिंपल एंड आसान तरीके से। बस ये चिपके तक आप लोग इसको ख्याल रखो, ये चिपक जाए बाय, कैसा लगा बताना।